का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ये जो है एक एटॉमिक फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंतहाई इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। आप लोगों को इसका थोड़ा बहुत आइडिया अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी था, यहाँ पर हम थोड़ी सी डिटेल में इक्वेशन एक दो की मदद से इसको समझेंगे। अगर आप प्लैंक्स की इक्वेशन को देखें प्लैंक्स इक्वेशन ई इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी एच वी, इसको जब रिलेट किया था हमने ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर के साथ, तो हमें ये पता चला था कि जो लाइट पार्टिकल होते हैं या जो रेडिएशंस होती हैं दे हैव टू काइंड ऑफ बिहेवियर या नेचर। एक नेचर ये है कि वो वेव लाइक नेचर शो करती हैं। वेव लाइक नेचर का क्या मतलब है कि वो डिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन और दूसरी जो सी वेव्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको शो करती हैं। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि वो जो सी हैं पार्टिकल लाइक जो नेचर है वो भी शो करती हैं। नाउ व्हाट इज़ पार्टिकल लाइक नेचर? पार्टिकल लाइक नेचर इज़ कि उनका कोई ना कोई मोमेंटम होता है। अगर आपको याद हो तो कैथोड रेज की जब हम प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे थे फोर्थ इस चैप्टर के स्टार्ट में, फिफ्थ चैप्टर के, तो उसमें ये था कि कैथोड रेज के रास्ते में अगर कोई पेडल रखा जाए तो वो उसको मूव करवा देती हैं, उसको घुमाना शुरू कर देती हैं। दैट वाज पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोमेंटम। और जो दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी थी वो ये थी कि अगर उसके रास्ते में कोई ओपेक चीज़ रख दें तो उसका शेडो बनता था, दैट वाज लाइट लाइक वेव लाइक प्रॉपर्टी जिसको हम रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो थी प्लैंक्स इक्वेशन में हमें बताई, लेकिन इस आइडिया को ब्रॉड सिनेरियो में जो डिस्कस किया सबसे पहले वो था जी लुइस डी ब्रोगली। इसने इन 1924 जो है वो जनरलाइज कर दिया कि ऑल द मटेरियल पार्टिकल्स या ऑल मैटर पार्टिकल्स, तमाम मैटर के पार्टिकल्स जो के मोशन में हैं, विच आर इन मोशन, वो जोन सी है आपके पास ड्यूअल नेचर को शो करेंगे। उनकी प्रॉपर्टीज़ में ड्यूअल नेचर होगी, कौन कौन सी, कि वो वेव लाइक बिहेवियर भी शो करेंगे एंड वो पार्टिकल लाइक बिहेवियर को भी डिपिक्ट करेंगे। इसको उसने कहा कि चाहे एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, व्हेन एवर दे आर इन मोशन दे विल शो वेव लाइक प्रॉपर्टीज एंड द पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। तो ये था आपके पास जनरलाइज उसने कर दिया कि हर मटेरियल जो है किसी भी किस्म का वो वेव और पार्टिकल दोनों तरह की चीज़ों को, दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ को, दोनों तरह की नेचर को जो है वो शो करता है। और इस कॉन्सेप्ट का नाम जो है साइंस की दुनिया में करार पाया वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। ड्यूअल का मतलब होता है कि दो चीज़ें एक ही साथ इकट्ठी हो जाएं किसी चीज़ में। हम कहते हैं जी कि ये आदमी बड़ी ड्यूअल नेचर का है, इसका मतलब है कि इसके अंदर दो चीज़ें एक साथ पाई जाती हैं और दो वो वाली चीज़ें जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। वेव की प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट होती हैं पार्टिकल की प्रॉपर्टीज से, लेकिन ये दोनों चीज़ें जब एक जगह मौजूद हों तो वी से कि वेव पार्टिकल ड्यूअल नेचर है। अब उसने सिर्फ ये कहा ही नहीं, डी ब्रोगली ने इसको प्रूव भी किया और डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन दी जिसको हम कहते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड एज
डी ब्रोगली इक्वेशन, ये इक्वेशन भी जो है हमें डी ब्रोगली ने दी, और जिसकी वजह से, जिसकी इसकी इस कंट्रीब्यूशन की वजह से डी ब्रोगली वाज गिवन अ नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ जो है इज़ वन ऑफ द माइटीएस्ट प्राइजेज इन द वर्ल्ड, और मेनली इसको रिसर्च वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाता है, क्योंकि लोग कोई नया काम करते हैं। तो डी ब्रोगली वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ ड्यू टू हिज दिस इक्वेशन। अब इसके अंदर चीज़ें कौन कौन सी हैं, लैम्डा है, लैम्डा इज़ कॉल्ड एज डी ब्रोगली वेवलेंथ, इसका नाम है डी ब्रोगली वेवलेंथ। एच आपको पता है दैट इज़ द प्लांक्स कॉन्स्टेंट। नंबर थ्री इज मास, जो कि उस पार्टिकल का मास है, मास ऑफ द पार्टिकल। एंड नंबर फोर इज वी, विच इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो ये हमारे पास जो थी डी ब्रोगली इक्वेशन आई थी। अब ये इक्वेशन उसने कैसे डिराइव की, अब हम उसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। इंतहाई इजी छोटी सी डेरिवेशन है जिसमें वो दो इक्वेशनों को इक्वेट करेगा। अब डेरिवेशन में इसकी हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द प्लांक्स थ्योरी। या प्लांक्स इक्वेशन, प्लांक्स की इक्वेशन कहती थी ई किसी भी चीज़ की जो एनर्जी है दैट इज़ इक्वल टू एच वी। अब अगर आप आइंस्टाइन की इक्वेशन को स्टडी करें, आइंस्टाइन की इक्वेशन जो थी जिसकी वजह से उसको नोबेल प्राइज मिला था, दैट वाज ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। अब एम क्या है, एम इज द मास ऑफ द मटेरियल पार्टिकल, और सी जो है वेलोसिटी ऑफ फोटोन होती है, जिसको हम आम जुबान में वेलोसिटी ऑफ लाइट भी कहते हैं। सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर एंड ई इज इक्वल टू एच इंटू वी। अब इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू, इन दोनों इक्वेशनों को जब मैं इक्वेट करूँगा तो मेरे पास जो चीज़ आएगी वो ये होगी, एच वी इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। अब क्या है यहाँ पर, अगर आप लोग अपनी प्रीवियस वेव्स की जो सी फिज़िक्स है उसको रिवाइज करें, तो वी इज़ बेसिकली फ्रीक्वेंसी। अब जो वेलोसिटी होती है, वी इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, ये जनरल इक्वेशन होती है। अब अगर इसको मैं अपनी टर्म्स में लिखूं, जब हम छोटी पार्टिकल को स्टडी कर रहे हैं, तो वी बन जाएगी ये सी, ये वी वेलोसिटी था। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट को स्टडी कर रहे हैं, तो हम इस वी को रिप्लेस कर देंगे सी से, एफ जो है रिप्लेस हो जाएगा इस वी से, एंड देयर इज दिस लैम्डा। तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी वो होगी वी इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। दिस सी ओवर लैम्डा को उठा के मैं अपने इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा इस फ्रीक्वेंसी की जगह, तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी एच सी ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। तो जो फाइनल फॉर्म अभी मेरे पास आई है वो है एच सी ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। ये स्क्वेयर इस सी से कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे बचेगा एच ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एम सी। अब अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम सी एम सी। ये आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ डी ब्रोगली, डी ब्रोगली इक्वेशन। अब सी जो है हम नॉर्मली लेते हैं एक फोटॉन के लिए, क्योंकि अगर वो लाइट होगी तो उसकी वेलोसिटी सी कहलाएगी, जो कि कांस्टेंट है। अदरवाइज उसकी वेलोसिटी जो है वो वी रहेगी, अगर कोई और पार्टिकल है और वो किसी और स्पीड से जा रहा है। तो हम जो जनरल इक्वेशन हमारे पास बनेगी वो लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। ये जो इक्वेशन शुरू में हमने डी ब्रोगली इक्वेशन के नाम से पढ़ी थी, उसमें सी को वी से रिप्लेस किया है, क्योंकि सी जो है वो सिर्फ लाइट के केस में होगा,
जबकि अगर आपके पास कोई ऐसा पार्टिकल मौजूद है जो कि लाइट नहीं है, उसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो सी है वो बनेगी। अब अगर आप इसको देखें तो m मल्टीप्लाई बाय v इज़ इक्वल टू मोमेंटम। अगर आपको मोमेंटम की डेफिनेशन याद हो तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, एम वी इज़ इक्वल टू पी। तो यहाँ से मेरे पास इसको अगर मैं रिप्लेस करूँ h ओवर एम वी, और अगर मैं एम वी को रिप्लेस कर दूँ p के साथ, तो इसका मतलब है कि मेरे पास लैम्डा एंड p का इनवर्स रिलेशन आया, दे आर लैम्डा एंड p आर इनवर्सली रिलेटेड। मतलब क्या है कि अगर मेरे पास किसी बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा है तो उसकी वेवलेंथ जो है वो कम होती जाएगी, और अगर मोमेंटम कम है तो उसकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट जो चीज़ हमने स्टडी करनी है, हमने बेसिकली इस इक्वेशन की एग्जांपल्स देखनी है। टू एग्जांपल्स की मदद से हम इसको समझेंगे। एक में हम एक इलेक्ट्रॉन लेंगे जो कि किसी खास स्पीड से मूव कर रहा होगा, और दूसरे केस में हम एक स्टोन लेंगे 1 ग्राम का, और फिर उसको मेजर करेंगे दोनों की वेवलेंथ क्या आती है। तो पहला केस है हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है। अब इसको हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी जो है वो आपके पास है 2.188। 1 इलेक्ट्रॉन विद वेलोसिटी इज़ इक्वल टू 2.188 × 10⁶ m/s। मैं आपकी बुक वाली वैल्यूज़ ही को ले रहा हूँ। ओके, अब हमने फाइंड आउट करनी है डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है एच ओवर एम वी। एच इज़ द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.26626 × 10⁾-34 J/s, डिवाइडेड बाय मास। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 9.10 × 10⁻³ kg, एंड वेलोसिटी आपने एज्यूम की ये वाली, विच इज़ 2.188 × 10⁻⁶ m/s। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास जो डी ब्रोगली वेवलेंथ आएगी वो आएगी 0.33 × 10⁻¹ m, या क्या आएगी, 0.33 नैनोमीटर। ये हमारे पास एक वैल्यू जोन सी है वो आ गई, और ये जो वैल्यू है ये कंपेरेबल है, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं टू दी वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से आती है। ये उससे कंपेरेबल है क्योंकि वो भी इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर्स आती है। तो मतलब कि डी ब्रोगली से जो एक इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ हमने निकाली वो उसी रेंज में आ रही है जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से हमारे पास आंसर आता है। अब वो आगे आपके पास बताता है, वो कहता है जी कि अब अगर इलेक्ट्रॉन को मैं रिप्लेस कर दूँ प्रोटॉन से, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो 118.36 times क्या होगी, स्मॉलर होगी। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन इज 1836 times हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है कि डी ब्रोगली इक्वेशन में मास का और वेवलेंथ का ओपोजिट रिलेशन है। तो अब प्रोटॉन चूंकि इलेक्ट्रॉन से इतने गुना भारी है, तो जब ये भारी मास ज़्यादा होगा तो आपके पास वेवलेंथ शॉर्ट हो जाएगी उतने गुना जितने गुना आपका इलेक्ट्रॉन भारी हुआ है। तो यही वो बता रहा है कि प्रोटॉन चूंकि 1836 गुना हैवी होता है इलेक्ट्रॉन से, इसलिए अगर मैं उसी कंडीशन के ऊपर प्रोटॉन को कंसीडर कर लूँ इलेक्ट्रॉन की जगह, तो मेरे पास जो वेवलेंथ आएगी डी ब्रोगली की, दैट वुड बी 1836 times स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि हमें इलेक्ट्रॉन के केस में मिली थी। इसी तरह वो कहता है जी कि आपके पास अगर एक अल्फा पार्टिकल है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल इज 7344 times हैवियर
देन इलेक्ट्रॉन। अब लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बजाय एक अल्फा पार्टिकल ले लूँ तो ये जो मास है ये 7344 टाइम्स बढ़ जाएगा, और जब ये 7344 टाइम्स बढ़ जाएगा तो आपके पास लैम्डा जो होगा, जो डिब्रोगली वेवलेंथ आएगी वो क्या होगी, दैट विल बी शॉर्टर देन, कितने टाइम्स शॉर्टर होगी, 7344 टाइम्स। अब हम जो है इसको चलते हैं आगे एक एग्जांपल की तरफ कि हमारे पास एक स्टोन है। अब हम बड़े पार्टिकल के को देखते हैं क्योंकि उसने कहा है कि हर पार्टिकल जो है मैटर जितना भी है वो दोनों नेचर को शो करता है, लेकिन हमारे पास अगर एक पत्थर है तो वो वेव की शक्ल में तो मूव नहीं करता या वेव वाली प्रॉपर्टीज तो शो नहीं करता, तो उसकी क्या वजह है उसको हम देखते हैं। वो कहता है जी कि वी हैव अ स्टोन जिसका मास जो है वो आपके पास 1 ग्राम है, इसको अगर मैं किलोग्राम्स में करूँ तो इट विल बी दिस। और वो कहता है जी कि उसकी वेलोसिटी ये है कि वो 10 मीटर पर सेकंड से, आपके पास एक पत्थर है 1 ग्राम का जो कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, तो हम उसकी डिब्रोगली वेवलेंथ को फाइंड आउट करते हैं। डी इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। एच इज 6.66 इंटू 10^-34 जाउल सेकेंड डिवाइडेड बाई मास इज 10^3 किलोग्राम्स एंड वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। इसको जब आप सोल्व करते हैं तो आपके पास जो डिब्रोगली वेवलेंथ की आंसर आता है दैट इज 6.66 इंटू 10^-30 मीटर। अब ये वैल्यू अगर आप देखें, नॉर्मली जो वेवलेंथ्स जिनको हम मेजर करते हैं वो होती हैं इंटू 10^-9 जिनको हम नैनोमीटर कहते हैं इस रेंज में, या होती हैं 10^-10 जिनको हम एंगस्ट्रॉम कहते हैं, या फिर होती हैं 10^-12 जिसको हम पिकोमीटर कहते हैं। अब ये वैल्यू जो है दिस इज़ वेरी वेरी लेस वैल्यू, 10^-30 मीटर, ये बहुत छोटी वैल्यू है जो कि कैन नॉट बी मेजर्ड विद एनी मेथड। इसका मतलब क्या है, इतनी शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब ये है कि एवरी पार्टिकल जो है, अगर एक बड़े पार्टिकल की हम बात करें तो नेचर उसके अंदर दोनों की दोनों हैं, वो क्या है, वो वेव भी शो करता है और वो पार्टिकल बिहेवियर भी शो करेगा, लेकिन जैसे अभी हमने स्टोन की एग्जांपल देखी तो पार्टिकल वाली जो चीज़ है वो डोमिनेंट रहेगी क्योंकि उसकी वेवलेंथ इज़ वेरी शॉर्ट और वो वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ को इस वजह से सरेआम जो है वो शो नहीं करता है ओपनली, बिकॉज उसकी वेवलेंथ जो सी है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। इसलिए वो कहता है जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ हैं, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ मतलब जो बड़ी बॉडीज़ हैं उनके साथ एक वेवलेंथ जो है वो एसोसिएटेड तो होती है, वेवलेंथ इज़ एसोसिएटेड जैसे कि हमने निकाला है, लेकिन वो इतनी छोटी होती है तो हम ये कह देते हैं कि मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ डोंट हैव वेव्स, उनके अंदर वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ हमें चूंकि नज़र नहीं आती, उनका एसोसिएटेड वेवलेंथ बहुत छोटा होता है, तो हम ये जनरल अजम्पशन कर लेते हैं कि जो मैक्रो बॉडीज़ हैं दे डोंट हैव वेव्स। तो ये हमारे पास जो था हमारा टॉपिक था आज का, जिसमें हमने पार्टिकल ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर जो है उसको हमने स्टडी किया है।